अच्छा, तो अभी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक चूल्हे पे एक फ्राई पैन में तेल मछली के लिए रखा है, मछली फ्राई करने के लिए, और एक कढ़ाई में मैंने तेल रखा है इसकी करी बनाने के लिए। तो अब मैं ये वाली फिश डालती हूँ इसमें। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब आपको अपनी मछली 50% फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, 50%। और करी के लिए मैंने सामान लिया है, ये है लाल मिर्च, मतलब वही मिक्स मसाला, नमक, और ये है लौंग, 3-4 लौंग है, और काली मिर्च है, दालचीनी है, और ये है पत्ता, तेज पत्ता, और ये है आधा पाव टमाटर की, मतलब अमूमन आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा ग्राइंडर ख़राब था तो हमने चॉप कर लिए हैं। ये हैं 4 तकरीबन टमाटर, और इसकी भी पेस्ट करनी थी प्याज की भी, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों नहीं की। तो ये है मेरे 3 प्याज, ये धनिया है, ये लहसुन अदरक है, ये भी मैंने चॉप किया है, और ये दही है। तो अब हम पहले इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक की पेस्ट। आप इससे पहले इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, जीरे से अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरा जीरा ख़त्म हो गया था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा ला दो, तो उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही बना लो। तो हल्का लाइट गोल्डन करेंगे, फिर उसके बाद हम ये प्याज डालेंगे जो कि हमने चॉप किया हुआ है। आप देखते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है बिल्कुल, और मेरी फिश भी दूसरी तरफ फ्राई हो रही है, इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब मैं ये चॉप किया हुआ प्याज डालूंगी इसमें, और इसको भी लाइट गोल्डन करूंगी इसके साथ ही। मेरा प्याज जैसे ही गोल्डन होगा, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर जो कि मैंने चॉप किए हैं, खैर मैंने नहीं किए, मेरे हस्बैंड ने किए, मैंने ये काम उनसे करवाया, मैंने कहा चलो आप कर दो, आज आज भी वो अक्सर करते हैं मेरा काम। और हम साथ के साथ देखेंगे अपने फिश के हमने फ्राई होने के लिए रखी, मैंने जैसे आपको बताया था इसको पूरे तरीके से फ्राई नहीं करना, 50% मतलब हल्का फ्राई करना है आपने, इसको ज़्यादा नहीं करना। ये मेरे प्याज हो गए, डोनाल्ड योर फोन इज रिंगिंग, डियर ड्यूक डोनाल्ड योर फोन इज, Donald, your phone is ringing. Dear Duke Donald, your phone is ringing. Dear Duke. मेरे बीच में रिंग हो रही थी फोन की। यार मैं कुछ भी बनाती हूँ, मेरे साथ बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे मतलब मेरे देवर हैं, तो ये मेरी हेल्प करते हैं मेरा फोन पकड़ने में। वैसे तो हमारे पास रिंग लाइट भी है, उसका स्टैंड है पूरा, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगता, तो इसलिए ये बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं फ़ोन पकड़ने में, क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ूंगी एक हाथ से बनाऊंगी तो वो कैसे बनेगी वीडियो, मुझे मुश्किल होगी। तो थैंक यू इन बच्चों का जो मेरी हेल्प करते हैं। अब मैं इसी प्याज के साथ डालूंगी चॉप किया हुआ ये टमाटर,
जैसे कि मैंने आपको बताया था ये चॉप हुआ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन आप इसको ग्राइंडर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मदद से इसको थोड़ा मैंने तकरीबन मछली तो हम बनाते ही हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हमारे घर में सब पसंद करते हैं, लेकिन ये वाली मछली हम कम ही बनाते हैं। तो ये मेरा ही दिल था तो मैंने हस्बैंड से कहा कि हम आज यही वाली बनाए। हाँ, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, मतलब मिर्च मसाला, नमक, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। हाथ से मैं इसलिए करती हूँ, हाथ से मुझे अच्छा लगता है, ये इजी है, ये देसी तरीका है। अच्छे से भून लें और मेरी मछली भी साथ के साथ फ्राई हो रही है। मैं अलग अलग से भी एक काम कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे अच्छा भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। इसमें अगर आप थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छा है। इत्तेफाक से मेरे पास वो भी नहीं है, मैं अभी तक बाज़ार गई नहीं हूँ, मैं बाज़ार जाऊँगी तो ये घर की चीज़ें लाऊँगी। देखिए आप, ये मेरी फिश है आधी तो मैंने निकाली है, तो थोड़ी सी मैं और कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी हद तक पक गया है। अब हम इसमें आधा पाव दही ऐड करेंगे। वो तो आप दही मतलब अपनी फिश के हिसाब से भी कि आपके फिश कितनी है उस हिसाब से भी ये टेस्ट आता है उसका। तो ज़रूरी नहीं आपकी दही मैश हुई हो, दही जैसी भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देखें ये हमारी फिश जो है ये तकरीबन फ्राई हो गई है। मैं इसको जो मैं करी बना रही हूँ इसमें डालूँगी। थोड़ी गर्म है तो मेरे हाथ चल रहे हैं। इसमें ये सारी मछली डाल के आप देखें, और इसमें चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि आपकी ये मछली टूट जाएगी, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ख्याल में रखें। खैर, चम्मच हिला लें, मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैं इसलिए हिला रही हूँ, आपको भी होगी क्योंकि आप अपने घर पे खाना बनाते हैं हर कोई। तो आप कढ़ाई को हिला के भी थोड़ा वो कर सकते हैं इधर उधर मसाला या अपना तेल। ये अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी इसकी कढ़ के लिए। पानी आप अपने अंदाजे से डालें कि आपको किस लिहाज से बनाना है सालन। बनाने के बाद मैं इसको पानी डालने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा ढक दूंगी। मुझे अंदाज़ा है तो मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी फिश तैयार हो गई है। मैंने इसको चम्मच से नहीं हिलाया, ये देखिए आप ऐसे ही हिला रहे हैं बस हल्का सा। मेरा तो ये वजनी है कढ़ाई तो मुझसे हिल नहीं रही वैसे, बाकी आपकी हल्के तो हाफ हाथ से। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ धनिया डालूंगी। ये धनिया मेरा स्टोर किया हुआ फ्रिज का है, क्योंकि मैं ड्यूटी पर जाती हूँ तो मैं कुछ सामान ऐसा है जो स्टोर करती हूँ। तो ये मेरी फिश करी तैयार हो गई है।
अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरी फिश तैयार है, तो अभी हम खाना खाएंगे। तो आ जाएं आप लोगों में से जिस जिसने भी ये खानी है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और आप सबका थैंक यू।